नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। दोस्तों, RCB टीम की कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ दी है। ऐसे में टीम से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगले साल से यानी कि IPL 2022 से विराट कोहली जो है RCB टीम नहीं बल्कि दिल्ली की टीम से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या है अपडेट, क्या है खबर जो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके बारे में हम सारी बातचीत आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए भाइयों, अगर आप भी विराट कोहली और RCB टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वही दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। वहीं हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को यदि ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहती है। तो भाइयों, फटाफट उसे भी जाकर ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने इस फैसले का ऐलान कर दिया है कि वह IPL 2021 के बाद जो है RCB टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि विराट कोहली ने यह भी साफ किया है कि वह RCB टीम के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी से उन्हें लगाव है। वैसे इन सब बातों के बीच साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने बड़ी भविष्यवाणी करके बताया है कि विराट कोहली RCB के बाद अब किस फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, विराट कोहली ने भले ही ये साफ कर दिया हो कि वो RCB टीम के लिए हमेशा खेलना चाहते हैं, लेकिन डेल स्टेन ने बताया है कि विराट कोहली जो है अगले साल से किस फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकते हैं। डेल स्टेन ने कहा है कि विराट कोहली RCB टीम को अगर छोड़ते हैं कभी भी, तो एक टीम उनका स्वागत कर सकती है, वह टीम और कोई नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स है। उन्होंने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हमने क्रिस गेल को टीम छोड़कर जाते हुए देखा है। डेल स्टेन ने साथ ही ये भी कहा कि हमने देखा है कि डेविड बेकहम ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया था। ये सभी बड़े खिलाड़ी अपने क्लब की ओर से काफ़ी लंबे समय तक खेले और फिर छोड़ दिए। विराट कोहली दिल्ली से हैं और उनके पास दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। वो कह सकते हैं कि हमारे साथ आओ और ख़त्म करो। गौरतलब हो कि विराट कोहली IPL में अगले साल मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों चांस बनता ही नहीं, क्योंकि RCB टीम विराट कोहली को रिटेन करने वाली है। टूर्नामेंट में दो नई टीमें भी जुड़ जाएंगी। वैसे विराट कोहली को अगर RCB टीम रिलीज़ करती है, जो कि कोई चांस ही नहीं है, तो ही वह किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये चांस ही नहीं बनता है कि RCB टीम विराट कोहली को रिलीज़ कर दे। वो टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और RCB टीम के तमाम फैंस भी यही चाहेंगे कि RCB के लिए ही विराट कोहली हमेशा खेलते रहें। विराट कोहली और AB de Villiers जो है RCB टीम की जान रहे हैं, पर कोहली खुद भी RCB को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या डेल स्टेन की भविष्यवाणी सच हो पाएगी, ये देखना आने वाले टाइम में दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल ये 2 या 3 साल तक पॉसिबल होने वाला है कि विराट कोहली जो है दिल्ली की टीम से खेले। वो जब तक खेलते रहेंगे, जब तक अच्छी लय में रहेंगे, वो RCB टीम के लिए हमेशा खेलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट विराट कोहली और उनकी फ्रेंचाइज दिल्ली टीम में खेलने को लेकर, जहाँ पर डेल स्टेन ने ये भविष्यवाणी की थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।